इट्स 2018 गाइस, आज की डेट में सब कुछ स्मार्ट है, हमारे स्मार्टफोन से लेकर टीवी तक सब कुछ स्मार्ट है। बट जब हम बात करते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स की, तो वहाँ पर कुछ चेंज नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू कंसेप्ट एपिक कार्ड्स के बारे में, जिसने ग्रीटिंग कार्ड्स को एक नया रूप दे दिया है। तो चलिए बात करते हैं एपिक कार्ड्स क्या है। epicards.net एक वेबसाइट है जो आपको ग्रीटिंग कार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके खुद के चॉइस के मैसेजेस, कोड्स एंड पिक्चर्स होते हैं। जैसे कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं और आप कन्फ्यूज हैं कि क्या गिफ्ट दें, तो आप श्योरली epicards.net के साथ जा सकते हैं। आपको जस्ट ऑर्डर प्लेस करना है, बाकी काम epicards.net की टीम करेगी। सोचिए जिसको आप भी ये गिफ्ट देंगे वो भी कितने खुश होंगे इस डिफरेंट कंसेप्ट को देखकर। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। तो आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आपको टाइप करना होगा epicards.net। साइट ओपन होते ही आप देख सकते हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल चल रहा है और आपको फ्यूचर में यहाँ पर बर्थडे जैसी कैटेगरीज भी देखने को मिलेंगी। वैलेंटाइंस डे के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको गेट इट नाउ पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद प्रोसीड एंड चेकआउट पे क्लिक कीजिए। देन आपको अपना नेम, अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आपको डालना होगा और प्रोमो कोड के सेक्शन में आप shivam10 डालेंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद आपको इसे सेंड कर देना है। सेंड करने के कुछ ही टाइम बाद एपिक कार्ड्स की टीम आपको व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगी। वहां पर आपको अपनी चॉइस के 6 इमेजेस एंड मैसेजेस सेंड करने हैं। उसके बाद वो आपको एक पेमेंट लिंक देंगे, उस पेमेंट लिंक को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको उसमें अपना नेम डालना है, अपने ईमेल एड्रेस डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम और फ़ोनपे जैसे ऐप्स के साथ पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनसे नहीं करना चाहते तो आप पेटीएम के द्वारा पेमेंट के लिए उनसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपके पेमेंट होने के बाद आपको 24 आवर्स के बीच में आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें आपका एपीके होगा। आप उस एपीके को किसी भी नॉर्मल एपीके की तरह इंस्टॉल कर लीजिए। दैट्स इट। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और epicards.net को विज़िट करना ना भूलें। थैंक यू। I can do this so